हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज बना रही हूँ मैं अखरोट के सिड्डू, जो हमारे हिमाचल में पहाड़ी एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए ले लिया है मैंने आटा 3 कटोरी भर के बड़ी वाली, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, ताकि सिड्डू की बाहरी जो परत है उसमें नमक का टेस्ट आ जाए। और इसके बीच में डाल रहे हैं हम ईस्ट, जिससे ये आटा जो है फूलेगा। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो पानी को मैंने जो है हल्का गर्म कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, और जिस तरह से हम चपाती को आटा गूंदते हैं, उसी तरह से सिड्डू के लिए भी हमें आटे को गूंदन के तैयार करना है। तो आटा जो है हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब मैंने ले लिया है एक कुकर। आप इसी जिस बर्तन में आप आटे को गूंदे, आप उसी में ही इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूं ताकि इसके ऊपर मैं इसका ही ढक्कन लगा सकूं। मैंने इसमें पहले से रिफाइंड ऑयल जो है लगा के रखा था। अब इसको हम 3 से 4 घंटे तक ढक्कन लगा के किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे, ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से फूल जाए। तो अखरोट की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ले ली है अखरोट, और 5-6 ली है मैंने लहसुन की कलियां, 1 लिए है मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और लिए है नमक। नमक मैं डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार, और साबुत धनिया, 1 हरी मिर्च, और इन सबको मैं अब ग्राइंड कर लूंगी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो स्टफिंग को हमने इस तरह से पीस लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और हरे धनिए की पत्ती ली थी, इसको भी मैं हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हरे धनिए से जो है सिड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब देख लेते हैं आटे को कि हमारा आटा जो है गूंद के रखा था कैसा हुआ है। तो मैंने इस तरह का जो है स्टीमर ले लिया है, छन्नी, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लगा के रख लिया है, और अब कर लेते हैं आटे को चेक। तो मैंने इस तरह से कुकर में ही रखा था आटा, तो अब इसे हम खोल लेते हैं। देखिए जी, हमारा आटा जो है देखिए इस तरह से बहुत बढ़िया से फूल चुका है। तो मैंने 1 कटोरी में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ में लगा लेंगे और आटे की जो है हवा निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हो गया आटा। अब दोनों हाथ पे इस तरह से हम तेल लगा लेंगे, और इतनी लोई हम आटे की ले लेंगे, और इस तरह से बाहर से अंदर को करते जाएंगे और इसका एक गोला बना लेंगे इस तरह का। ये देखिए इस तरह का, और इसे इस तरह से जिस तरह से हम चपाती के लिए करते हैं उसी तरह से इसे फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह का हमने हाथ से ही से फैला दिया है, और अब रख देंगे इसके बीच में हम स्टफिंग। मैं आज जो है गोल सिड्डू बना रही हूँ। पहले भी मैंने सिड्डू की 2 वीडियो अपलोड करके रखी है अपने चैनल पे, तो उनको मैंने और तरह का डिजाइन दिया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से बंद करेंगे, और ताकि इसमें कोई भी छेद नहीं रहना चाहिए इस तरह से, नहीं तो हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाएगी। और देखिए अब इतना इस तरह से इसको हाथ से थोड़ा दबा लेंगे, और जो स्टीमर था हमने ग्रीस करके रखा था, अब इसमें हम इसको
इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। और इसी तरह से अब मैं सारे सिड्डू जो है बना के तैयार कर लूंगी। तो देखिए जी, सारे सिड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने दूसरे स्टीमर में भी 2 सिड्डू डाल दिए हैं। तो अब इन्हें हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो मैंने गैस के ऊपर स्टीमर में जो है पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और एक लिया है लेमन, इस तरह का हो गया लेकिन कुछ नहीं है, इसको भी मैं इस पानी में डाल दूंगी। इससे जो है हमारा स्टीमर एक तो ब्लैक नहीं होगा और ऊपर से जो है हमारे सिड्डू में भी नींबू की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो चलिए जी, इस तरह से मैंने स्टीमर को लगा दिया है। अब लगा देंगे इसके ऊपर हम ढक्कन इस तरह से, और इसको टाइम देख के हम 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब चेक कर लेते हैं हम सिड्डू को, 10 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए जी, ये बन के हैं हमारे सिड्डू। अब कर लेंगे इनको हम सर्व। तो लीजिए जी, हमारे सिड्डू जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैंने इन्हें देसी घी और चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको सिड्डू की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल का बटन है उसे दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।